नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव 24 में और मैं हूं शालू बाल्यान। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर में दिन की शुरुआत एक बार फिर मुठभेड़ से हुई है। बड़गाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में दो आतंकी मारे गए। मारे गए दोनों आतंकी पाकिस्तानी नागरिक है। सेंट्रल कश्मीर के बड़गाम जिले के बुजगो एरिजल क्षेत्र में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने अब तक दो आतंकियों को मार गिराया है। बीती रात बुजगो एरिजल क्षेत्र के एक घर में दो से तीन आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलते ही सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। रात में ही क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ शुरू हो गई। सीबीआई में चल रहे विवाद को लेकर आज सीवीसी सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर सकता है। आपको बता दें कि सीबीआई के विशेष निदेशक अस्थाना ने वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में सीवीसी को मामले के 14 दिन में जांच करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर आज सीवीसी दोनों को पूछताछ करने के लिए बुला सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जौनपुर के मछली शहर लोकसभा के बीजेपी कार्यकर्ताओं से पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से लोकसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। वहीं दूसरी ओर स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी से चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बातचीत की। आज प्रधानमंत्री मोदी से बात करके मैं बहुत ही गर्वान्वित हूँ। मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था मैं कभी प्रधानमंत्री जी से बात कर पाऊँगा और इस ऐतिहासिक क्षण को कभी भूल नहीं पाऊँगा, पूरे जीवन भर नहीं भूल पाऊँगा। मैंने प्रधान जी के कार्य लोकसभा के अंतर्गत, चाहे वो बनारस रहा हो, मिर्जापुर रहा हो और ये भदोही रहा हो, जौनपुर रहा हो, हर जगह जाते थे, दूर से भाई देखते थे, बट ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उनसे इस तरह हमारी वार्ता हो जाएगी। सर, हमने यही पूछा कि 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया का एक बहुत ही परिवर्तनीय उनकी योजना थी, बट विपक्ष के लोग बोलते हैं कि मात्र यह दिखावा है और इसका जनमानस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये हमने कहा कि इसके बारे में आप बताएं जिससे हम लोगों को मैंने हर ढंग से समझा पाए। अक्सर अपने अमर्यादित और विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले आरएलडी मुखिया अजीत सिंह ने फिर अमर्यादित बयान दिया है। अजीत सिंह ने पीएम मोदी, सीएम योगी और स्मृति ईरानी की तुलना आवारा पशुओं से की है। बागपत पहुंचे अजीत सिंह ने मंच से बोलते हुए कहा कि सरकार गन्ना उगाने को मना करती है और दाल उगाने की बात कहती है, लेकिन खेतों में तो योगी और मोदी घूम रहे हैं। अजीत सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि योगी और मोदी के साथ खेतों में स्मृति ईरानी भी घूम रही है। वहीं अजीत सिंह ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इन दिनों अगर ट्रांसफर या नौकरी की बात हो या किसी ठेके की बात हो तो वो बिना आरएसएस के पूरी नहीं होती। ठीक है, गन्ना बहुत ज्यादा हो गया, क्या वो विधान और ये जो मोदी और योगी घूम रहे हैं गांव में, ये क्या कर रहे हैं? मतलब मोदी और योगी, मोदी योगी कह रहे हैं कि दाल मत पैदा करो, गन्ना मत पैदा करो और योगी आके खा जाएगा उसको। कहीं कहीं तो स्मृति ईरानी भी घूम रही है। अच्छा, धान यूपी के पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का गठन किया है। पार्टी के गठित होते ही पार्टी में कई दलों से नेताओं के शामिल होने का तांता लगा हुआ है। बुधवार को बीएसपी सरकार में राज्य मंत्री रह चुके ठाकुर रणवीर सिंह समेत बीएसपी के कई नेता शिवपाल सिंह यादव की पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि जिस तरीके से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उसे लगता है कि बीजेपी को हराने में हमारी पार्टी कामयाब रहेगी और एक बार फिर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार बनेगी। फरुखाबाद में विकलांग संयुक्त मोर्चा वोटर्स पार्टी की एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत गांधी ने शिरकत की। मंच पर भाषण देते हुए भरत गांधी ने कहा कि अगर केंद्र में मेरी सरकार बनी तो मैं नोट पर अपनी फोटो लगाऊंगा। वहीं भरत ने केंद्र सरकार की चुटकी लेते हुए कहा कि पीएम मोदी और योगी ने मेरी और राहुल गांधी की शादी नहीं होने दी है। साथ ही भरत ने सभी वोटर्स के लिए एक निर्धारित आयु के बाद 6,000 रुपए पेंशन देने की मांग की है। भैया, ये रैली थी वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल की। जी जी जी। और इसमें बात ये उठी थी कि वोटरों को अधिकार है कि वोटरों को देश के खजाने में हिस्सा मिलना चाहिए,
खजाना खर्च करने का अधिकार जनप्रतिनिधियों को दिया गया, एमपी एमएलए को। एमपी एमएलए ने वोटरों से के साथ न्याय नहीं किया, उन लोगों ने अपने टिकट की चिंता की, जनता की आर्थिक हालात बदतर हैं उनकी चिंता नहीं की। इसलिए एक नई आवाज उठी है कि खजाना खर्च करने का काम जनता खुद कर लेगी, आप कानून बनाने का काम कर लो। देश में अमीरी गरीबी से सीधा जनता का रिश्ता जोड़ने के लिए ये वोटर्स पार्टी का काम चल रहा है। फरुखाबाद में पहला कार्यक्रम था और आगे भी और कार्यक्रम होंगे और जनपदों में कार्यक्रम चल रहे हैं। अच्छा, अभी जो पार्टी के कुछ कार्यकर्ता पकड़े गए, कुछ कार्यकर्ता जो लोग पकड़े गए, हम शाम तक जानकारी करेंगे। अगर वो नहीं छोड़े जाते हैं तो मैं खुद आऊंगा और एक दिन हम गिरफ्तारी देंगे और रेल रोकने का हम नोटिस देंगे। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत ने लंबी छलांग मारी है। 23 अंकों की छलांग लगाते हुए भारत 77वें पायदान पर पहुंच गया है। साल 2017 में भारत 100वें स्थान पर था, जबकि बुधवार को उसे 77वां स्थान हासिल हुआ है। विशेषज्ञों की माने तो कारोबार करने के मामले में भारत की रैंकिंग में सुधार से कई क्षेत्रों में फायदा होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जब पीएम मोदी सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमको इस इंडेक्स में 50 पायदान पर लाना है। हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 1 नवंबर यानी आज से देश के कई क्षेत्रों में अहम बदलाव होने जा रहे हैं। इनमें से कई बदलाव आम आदमी के लिए सुविधा लेकर आएंगे तो वहीं कुछ समस्या का सबब भी बनेंगे। पहला बदलाव एक अच्छी खबर के रूप में है। रेल यात्रियों के लिए ये परिवर्तन काफी सहूलियत भरा होगा। आज से देश भर में जनरल टिकट भी ऑनलाइन बुक किए जाएंगे। यूटीएस ऐप के माध्यम से अब जनरल टिकट के लिए आपको घंटों लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। वहीं दिल्ली के टोल टैक्स प्लाजा पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस सिस्टम शुरू होने जा रहा है। यह व्यवस्था शुरू होने से वाहनों को प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही ई चालान भरने की सुविधा भी आज से शुरू होने जा रही है। अब चालान भरने के लिए आपको लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार नहीं करना होगा। अब ट्रांसपोर्ट विभाग की वेबसाइट पर जाकर चालान का ऑनलाइन भुगतान भी किया जा सकेगा। तो वहीं आज से SBI ने अपने क्लासिक और मास्टर डेबिट कार्ड धारकों के लिए प्रतिदिन नकद निकासी की सीमा 40,000 से घटाकर 20,000 कर दी है। यूपी में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार को गंभीरता से लेते हुए सीएम योगी ने महिला आयोग को जिला स्तर पर समस्याओं को सुनते हुए उनका निराकरण कराने के आदेश दिए हैं। सीएम के निर्देश के बाद महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल बलरामपुर जिला मुख्यालय पहुंची और उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में पीड़ित महिलाओं की समस्याएं सुनी। उन्होंने पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को सुनकर उसे गंभीरता से लिया और उनके निस्तारण का आदेश संबंधित अधिकारियों को दिया। एक्चुअली जो भी महिलाएं जो है अपनी बात कह नहीं पाती हैं, परेशान रहती हैं, तो हम लोग का उद्देश्य यही है, दौरे का उद्देश्य यही होता है कि उन महिलाओं को हम एक जगह बुलाकर जन सुनवाई करें और यहाँ पे सारी संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहते हैं ताकि वो जो भी समस्या उनकी होती है उनसे डिस्कस हो जाता है और उन महिलाओं को जल्दी से न्याय मिल जाता है। इसका दौरे का ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि मैक्सिमम संख्या में महिलाएं एक जगह इकट्ठा होती हैं, सारे लोग वहाँ उपस्थित होते हैं, वो सारी दिक्कतें उनकी दूर होती हैं, वो लोग सारे लोग हेल्प करते हैं। तो हम लोग का यही प्रयास है कि अधिक से अधिक जो भी महिलाएं हमारे पास आएँ, अपनी समस्याएं कहें और हमारी कोशिश होती है कि उनको त्वरित न्याय मिले। महिला उत्पीड़न बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पर। फरीदाबाद में हरियाणा पुलिस का खौफनाक चेहरा सामने आया है, जहां क्राइम ब्रांच के इंचार्ज के एक युवक से कहासुनी हो गई। आरोप है कि इससे गुस्सा एक क्राइम ब्रांच इंचार्ज ने पुलिस कर्मियों को बुलाकर कार सवार युवक और उसके दोस्त को कॉलोनी से जबरन उठवा लिया। दोनों को क्राइम ब्रांच के दफ्तर ले जाया गया, जहां युवक की रात भर पिटाई की गई। साथ ही रोलर चलाकर उसे थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया गया। सुबह अधमरी हालत में युवक को परिजनों के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद पीड़ित के परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं फरीदाबाद के DCP लोकेंद्र सिंह ने मामले की जांच ACB क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। अपने प्लॉट पर खड़ा था, मेरा दोस्त एक सोनू आया, मैंने मोटरसाइकिल खड़ी कराई, मैंने तो मेरी घर यहाँ तक बाईपास तक मैं गाड़ी ले गया। एक गाड़ी आकर खड़ी हुई, उसे चार जने थे, गाली देने लगे। मैंने भैया गाली क्यों दे रहे, मैं बताऊँगा कि जटरू मऊ मारने को भगे, मैं अपनी गाड़ी लेकर भाग लिया, वो मेरे पीछे गाड़ी लेकर भाग गया। गाड़ी में SOS के वहाँ से लेकर 29 में लेकर अपने प्लॉट में घुसा दी कॉलोनी में अपनी, वहाँ टम्पू खड़ा था, मेरी गाड़ी रुक गई, जटरू ने गाड़ी में आकर बजाते और फिर रात को CIA में ले गया। CIA में जाके उन्होंने ना आग ना कुछ मारना चालू, डंडे 6-7 देने थे। कौन सी CIA थी? 30 सेक्टर वाले। अच्छा, उन्होंने मारना चालू कर दिया। एक मेरे हाथ बांध के, पैर बांध के, एक आदमी ने पीछे फंस गए CIA वाला और एक ने
पैर पकड़ लिया, झट रोलर फेंक दिया। रोलर फेरा? हाँ जी। और ये मुंह पे चोट कैसे लगी? ये सारों ने घूसबाजी लठिया वठिया सब चला गया। ये भी एक शिकायत आई है कि कुछ व्यक्तियों की पिटाई की गई है, तो इसमें इस संबंध में हमें एक कंप्लेंट सी हुई है कि उस पर आरोप लगा रहे हैं कि CIA के कुछ व्यक्तियों ने आकर उन्हें रात में उठाया और उनके साथ मार पिटाई करी गई। तो इन संबंध में उनकी जो शिकायत है वो हमने ले ली है और इसकी पूरे मामले की जाँच ACP क्राइम को सौंप दी है। उसमें इनके सभी पहलुओं में गहनता से जांच करेंगे और इसमें रिपोर्ट करेंगे और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी की तहसील में उस वक्त दहशत का माहौल हो गया जब तहसीलदार की सुरक्षा में तैनात एक होमगार्ड पर फायरिंग कर दी। दरअसल शहर तहसील में सुरक्षा में तैनात होमगार्ड राजेंद्र सिंह की तहसीलदार से मिलने आए एक पूर्व प्राचार्य सुरेश यादव से कहासुनी हो गई थी। शाम के वक्त आरोपी प्राचार्य ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से होमगार्ड पर हमला कर दिया। गनीमत रही कि गोली बेल्ट में लगी और राजेंद्र सुरक्षित बच गया। गोली की आवाज सुनते ही वहां खड़े लोगों में अफरा तफरी मच गई। हर कोई गोली चलाने वाले को पकड़ने दौड़ पड़ा। वहीं आरोपी फायर करते हुए एक नाले में कूद गया जहां से उसे मौके पर पहुंची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये राजेंद्र सिंह होमगार्ड है जो तहसीलदार सदर की सुरक्षा में रहता है। आज शाम को जब गेट पर खड़ा था तो एक सस्पेंडेड प्रिंसिपल है सुरेश यादव कुछमा रहने वाले, उनके द्वारा अपने लाइसेंस रिवॉल्वर से फायर किया गया जो उसको छूता हुआ निकल गया है। जब उसने दौड़ाया है तो हवाई फायर करते हुए आगे भागा है, तो उसको दौड़ाते हुए पुलिस के सहयोग से पकड़ लिया गया है। तो मैं लेके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ऐसा क्यों किया सर, कुछ बताया इसने? बता रहा है कि सुबह जो है वो तहसीलदार से मिलने आए थे तो इस होमगार्ड ने इसके साथ बदसलूकी कर दी। इसीलिए शामली में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस और स्वॉट टीम को सूचना मिली थी कि मुंडेट नहर पुल के पास चार शातिर बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने के मकसद से घूम रहे हैं। सूचना पाकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गैंग का मुखिया सरगना मौके से भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से तीन तमंचे और लूट का सामान भी बरामद किया है। दिल्ली से सटे नोएडा के थाना 20 में पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने कैरियर बिल्डर सर्विस के नाम से चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है, जो बैंकों और बड़ी कबड़ी कंपनियों के फर्जी जॉब ऑफर लेटर तैयार कर ईमेल से भेजकर लोगों से अपने खाते में 1,500 से 15,000 डलवा लेते थे और खाते में पैसा आने के बाद उसे कॉल करना या रिसीव करना बंद कर देते थे। फिलहाल पुलिस ने मौके से कॉल सेंटर में काम करने वाले 1.5 दर्जन कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इसे चलाने वाले मैनेजर फरार है। हरदोई के शाहबाद के प्राथमिक विद्यालय आगमपुर में मिड डे मील खाने से रसोइये समेत करीब 0.5 दर्जन बच्चे बीमार हो गए। बच्चों को पेट दर्द और उल्टियां होने पर आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं स्कूल की शिक्षिका ने खाना बनाते समय खाने में छिपकली गिरने की बात कही है। जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जाँच के आदेश दे दिए है। शाहबाद का विद्यालय है आगमपुर, उसमें अभी हम भी खंड शिक्षा अधिकारी से बात की है और मौके पर अभी हम जाने की तैयारी कर रहे हैं, तब तक आप लोग आ गए संयोग से। उसमें बात यह है कि आज खाना बना, मेनू के अनुसार बना और बच्चे खाना खाए, लेकिन खाने के पहले जो है बच्चों को खिलाने के पहले खाना चखने की व्यवस्था है सरकार की तरफ से। उसमें आज चखने वाली रसोइयाँ भी चखी भी, बल्कि आज अभिभावक समिति तरफ कोई नहीं आया था, तो मोनी एक रसोइयाँ है वहीं चखी भी और बच्चे खाना खाए तो कुछ बच्चों को वोमिटिंग की समस्या आई तो बच्चों को अस्पताल भिजवाया गया। बच्चे नॉर्मल हैं, इसमें बच्चों महाविद्यालय में 196 नामांकन है, 100 आज उपस्थिति थी बच्चों की। कुछ बच्चे आगमपुर स्कूल से आए हुए हैं मिड डे मील खाने के बाद, इन्होंने जो कंप्लेन की कि पेट दर्द और उल्टी की, जिसके बाद इनके टीचर इनको यहाँ पे लाए। कुल 10-12 बच्चे हैं जिनमें से 2 बच्चों को उल्टियाँ थी, 7 बच्चों को पेट में दर्द था, जिनको प्राथमिक उपचार दिया गया। सारे बच्चे सब ठीक हैं और बाकी उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। वो रसोइया बता रहे हैं कि दीदी साफ सुथरा खाना बनाया था और शायद कहीं से भी छिपकली उसमें खाने में गिर के गलती से और पक गई है। और रोज रसोइया भी खाना खाती हैं और सभी लोग खाते हैं, स्टाफ के भी 1-2 लोग खाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। खाना साफ सुथरा। इसके किस स्कूल का मामला है जी? आगमपुर।
आगमपुर स्कूल का है। तो रसोईयां बहुत परेशान थी, उसको उल्टी हुई, दो तीन बच्चों को तुरंत हम यहाँ लेके भाग के आए प्राइवेट गाड़ी से। मऊ के मधुबन इलाके के लखनौर गांव में स्थित राम जानकी मंदिर से चोरों ने 3 मूर्तियां चोरी कर ली है। मंदिर के पुजारी को जब घटना की जानकारी हुई तो मामले की जानकारी पुलिस को दी। तीनों ही मूर्तियों की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। वहीं एएसपी एसके श्रीवास्तव ने कहा कि अष्ट धातु की मूर्ति चोरी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़े होते हैं और हम जल्द ही इस गिरोह का पर्दाफाश करेंगे। मंदिर से अष्टधात की 3 मूर्तियां चोरी हुई हैं, जिनमें राम जानकी लक्ष्मण की मूर्तियां थी। तीनों मूर्तियां करीब करोड़ों रुपए की लागत की थी जी। मैंने तहरीर दिया है, मौके पर पुलिस पहुंची थी, मौके पर पुलिस आई थी। अभी तक क्या कार्रवाई हो रही है? पुलिस का कोई कार्रवाई निष्क्रिय रही है, कोई कार्रवाई से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। लखनौर गांव में प्राचीन मंदिर है राजेंद्र प्रसाद पांडे जी का, वहाँ बताया जा रहा है कि मूर्ति चोरी की घटना हुई है। इस संबंध में पुलिस को तहरीर प्राप्त हो गई, आपसे कार्रवाई की जा रही है। मेरे द्वारा सचिव से बात की गई, वादी से पहले बात हुई है, बताया जा रहा है कि मूर्ति अर्धात की है। मैंने बताया कि उस मूर्ति के अगर कभी पूजा पाठ करते समय फोटोग्राफ वगैरह हो उसको प्राप्त करते और प्रभुता से कार्रवाई करें, क्योंकि इसके पीछे एक दूसरे किस्म का संगठित चोरों का गिरोह रहता है और जिनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या राष्ट्रीय चोरी मार्केट में भेजते हैं। तरंतस कार्रवाई कराई जा रही, मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई। भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज के साथ हो रहे वनडे मैचों में भारत का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि भारत फिलहाल 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है। इसी दौरान एक मैच टाई भी था। भारत पुणे में तीसरे वनडे में हार गई थी, जिसमें मैच के दौरान बारिश की भविष्यवाणी की गई है। गुरुवार को 5वां और आखिरी मैच है जिसमें भारत को जीतना जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज के लिए घोषित टीम में जगह गंवाने वाले धोनी को बल्ले से भी अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है, जबकि विकेट के पीछे वो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत की ओर से 10,000 रन पूरे करने से धोनी 1 रन दूर है। उन्होंने 124 रन एशिया एकादश की ओर से बनाए हैं। 3 दशक के बाद तिरुवनंतपुरम में वनडे मैच खेला जा रहा है। पिछला वनडे भी भारत और वेस्टइंडीज के बीच ही खेला गया था और तब वेस्टइंडीज ने आसान जीत दर्ज कर ली थी। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए लाइव 24 के साथ। नमस्कार।